हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम ह्यूमन आई का डायग्राम इजी वे में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। हमें सर्कल थोड़ा सा आगे से छोड़ देना है और पीछे एक होल छोड़ देना हमें, जिसमें हम ब्लाइंड स्पॉट बनाएंगे। ये यहाँ तक ऐसा बना लेना है। फिर उसके बाद हमें ये यहाँ से आगे से हमें थोड़ा सा ऐसा कर लेना है। ऐसा शेप बनाने के बाद हमें यहाँ पे स्केल की हेल्प से पीछे ऑप्टिक नर्व बनानी है। ऑप्टिक नर्व के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट एक यहाँ से और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा उससे साइज में छोटी हो और इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे। ये यहाँ से ये बन गया। फिर उसके बाद हमें दोबारा उतने ही रेडियस से थोड़ा सा कम लेकर फिर से वैसा ही बनाना है। और यहाँ पे वैसे ही हमें होल छोड़ देना है। और ये इतना करने के बाद हमें ये यहाँ से इतना, ये हमने हाथ से बनाया था तो ये हमें हाथ से बना लेना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने के बाद हमें ये डबल हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर ये जहाँ पे हमने ये होल छोड़ा था इसके अंदर भी ऐसे कवर कर देना है। ऐसा करने के बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पे लेंस। ये हमने लेंस बना लिया। अब हम उस लेंस के लिए हम बनाएंगे सीलियरी मसल। तो हम उसे यहाँ से जो ये हमने बनाया था यहीं से ऐसे शेप पे ये ऐसे बना देंगे, थोड़ा पास से ले जाके ऐसे। फिर उसके बाद हमें वही रेडियस का ये इधर से लेकर इससे करके उसे वहीं से आगे बढ़ा देना है और आगे ले जाके यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर इस साइड से भी हमें ऐसा ही करना है, यहाँ से लेकर ये यहाँ से ऐसा ये बनाकर उतना ही बिल्कुल साइज पे हम पहले देख लेंगे कि उसके बराबर ही हो। वहाँ से बिल्कुल वैसा ही करके यहाँ से भी बना देंगे। ये यहाँ से थोड़ा सा पहले ही छोड़ देना है उस होल के। पहले छोड़ने के बाद हमें ये यहाँ से ले जाके यहाँ पर अंदर जाके जॉइन कर देने हैं। और ये अंदर जॉइन होने के बाद हमें यहाँ से लेंस से ले जाके ऑप्टिक नर्व ले जानी है। तो वो हम स्केल की हेल्प से बना देंगे ऐसे। ये बन गई ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व बनाने के बाद हमें यहाँ पे एक ऐसे ये बना देना है। तो ये हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट के बाद हमें साइड में लास्ट स्टेप है, इसमें यहाँ से ऐसे ये निकाल देने हैं। और फ्रेंड्स, हमें इसमें ध्यान देना है ये दोनों इक्वल जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं से स्टार्ट हो और बिल्कुल इक्वल साइज में हो। ये यहाँ से ऐसा दोनों साइड हमने बना लिया। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग में सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। और ये है रेटिना।
ये नर्व ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, उसके बाद ये है लेंस, लेंस, और ये कहलाएगी सीलियरी मसल, सीलियरी मसल। फिर उसके बाद हमें ये इरिस, ये है इरिस, और ये आउटर कवरिंग को हम कहेंगे कॉर्निया। इसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे इस कवरिंग को हम कहेंगे ऊपर की को स्क्लेरा। और यहाँ से ये एक चैम्बर है जिसे हमने लिखे एंटीरियर चैम्बर, इंटीरियर नहीं एंटीरियर, एंटीरियर चैम्बर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है विथ लेबलिंग एड, का डायग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी और डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।